ठीक है काका, आपने मेरे नाम पर चाय की दुकान का नाम रख दिया, भीम चाय घर। हाँ भीमराव, मेरी औकात इतनी सी ही थी। अगर मेरी हैसियत ज्यादा होती तो हर विद्यालय का नाम, हर कॉलेज का नाम, हर एक स्टेशन का नाम, हर एक गली का नाम भीमराव अम्बेडकर रख देता। लेकिन मेरी औकात बस इस दुकान की थी, इसलिए मैंने इसका नाम भीम चाय घर रखा। कोई बात नहीं, ये ऐसे ही पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा तो एक दिन सड़क, चौराहों, उपवन, उद्यानों के नाम भी इसके नाम पे रखे जाएंगे। फिलहाल तो भीमराव, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। अरे वाह, यहाँ तो सच में सब कुछ बदल गया, दुकान का नाम भीमराव के नाम पर। सब कुछ नहीं बदल गया, सिर्फ कुछ लोग बदले हैं, वो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सिर्फ वही लोग बदले हैं, सब कुछ नहीं बदल गया, समझे? आप बिल्कुल भी नहीं बदले पंडित जी। लेकिन जो बदल गया उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भीम, मेरे लिए यही बदलाव बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों के गले मिलने पर मेरे बाबा बुरा नहीं माने। ची ची ची, ये सेठ जी का बेटा धर्मभ्रष्ट तो था ही, अब तुम सब भी धर्मभ्रष्ट हो गए हो। अरे पहले कम से कम विरोध तो करते थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम सब लोग भी भीमराव की जात वाले बन के रह गए हो। ना तो अशुद्ध होने का भय और ना ही जात खराब होने का अपराध बोध। ची ची ची, घोर अनर्थ है। पंडित जी, आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोगों ने जात पात की दीवारें तोड़ दी हैं। अरे ऐसे कैसे तोड़ दी जात पात की दीवारें? ठीक है कि भीमराव ने महाराज के पाखंड का पर्दाफाश किया था, लेकिन इसका क्या मतलब कि हम भीम को भगवान मान लें? भीमराव जिस जात का था उसी जात का है और उसी जात का ही रहेगा। जिसे मानना है वो मानते रहे, लेकिन हम सब अब एक है और हमें आपकी मान्यताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप अपना देख लीजिए। जब हम सातारा आए थे तो कोई हमें इंसान तक समझने के लिए तैयार नहीं था, और आज कुछ लोग तो हमें इंसान मान रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पाप की सजा तुम सबको मिलेगी। पंडित जी एक बात बताइए, हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं वही पुण्य है और बाकी सब पाप है? तो मुझ पर संदेह करोगे? प्रमाण मांग रहे हैं, संदेह नहीं कर रहे। प्रमाण नहीं देंगे तो संदेह होगा ही आप पर। पंडित जी, भीम से हमने यही सीखा है, जब तर्क जायज हो तब विश्वास करे, ना तो ना करे। जिस ईश्वर ने तुमको बनाया उसी ईश्वर की बनाई हुई जात के खिलाफ तुम सब लोग तर्क ढूंढ रहे हो। ईश्वर तुम्हें इस पाप की सजा देगा, अवश्य देगा। पंडित जी सही कह रहे हैं। हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं। चलो भाइयों। बधाइयों भीमराव, जो लोग पहले तुम्हारे सवालों से भाग रहे थे आज किसी और के सवालों से भी भाग रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सवाल अब और लोग भी पूछ रहे हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है कि सातारा बदल रहा है। भीमराव, सातारा को बदलने में समय लगेगा, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं।
और मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम हर रोज सुबह का दूध मेरे दुकान पे पियोगे, वो भी मुफ्त में। इस बार सालाना इम्तिहान के बाद सातारा से बड़ी जगह में जाना होगा तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए। फिलहाल यह बात किसी को मत बताना, ना घर वालों को और ना ही सातारा में किसी को। धन्यवाद आप सबका, मैं आप सबका ये सम्मान जीवन भर नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। चलो चलो सब घर चलते हैं। घोर अंधकार छा गया है, हे ईश्वर धर्म से भटके हुए लोगों को सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दिखाओ। चिंता मत कीजिए पंडित जी, अभी जो लोग भीम के साथ कूद रहे हैं ना उन पे दुख आने दीजिए, फिर लौट के सब आपसे ही ग्रह शांति और ईश्वर की रुकी हुई कृपा के लिए पूजा पाठ करवाएंगे। लेकिन कहीं बहुत देर ना हो जाए। बात यह है पंडित जी कि अभी अभी महाराज के पाखंड का पर्दाफाश हुआ है, इसलिए लोगों का विश्वास हिला हुआ है, लेकिन हम सब मिलकर उनके विश्वास को फिर से जीत लेंगे। ऐसे कैसे छोटी जात का वो भीमराव हमारी मान्यताओं के साथ खेले और हम उसे खेलने देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जब धर्म पर संकट पड़ा है तो तुम जैसे लोगों की जरूरत पड़ी है, आज भी वही स्थिति बनी हुई है, इसलिए तुम सब लोग जी जान से अपने धर्म की रक्षा के लिए जुट जाओ। जी पंडित जी। जी पंडित जी। चलो भीम 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 भीम। हमारे सबसे छोटे भाई भीमराव को कुछ लोगों ने तो स्वीकारा, उसी स्वीकारता का जश्न मना रहे हैं हम। भीमराव अंबेडकर, एक बात याद रखना, हमेशा आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़िए, आगे भी लड़ना, कितनी भी मुसीबतें आए बस लड़ते रहना। आई याद है मुझे कि आपने मुझसे क्या कहा था, और मैं जीवन भर वही करूँगा, बस मेरी जीत मेरी हार के समय आप नहीं होंगी, इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। वैसे आई जानती हैं आप, हम लोग सातारा भी छोड़ने वाले हैं, लेकिन घर में और किसी को पता नहीं है। अभी हमें पढ़ना भी है, 6 महीने बाद हमारी मुख्य परीक्षा है, और आनंद भैया आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं है, चलिए पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए जाओ चलिये। पढ़ो जाओ आनंद, पढ़ाई करो। चल आज आ गई मेरी दोनों बच्चियां। Thank you.
नमस्कार। यहाँ आए हुए सारे अभिभावकों का मैं विद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए उन्हें और अधिक मेहनत करने की सलाह देता हूँ। और अब बारी है इस विद्यालय की सारी कक्षाओं में सबसे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी के नाम की घोषणा करने की, और वो नाम है हमारा भीमराव सबसे अधिक अंक लेके आया है। भीमराव मंच पे आओ। हम तुम्हें सम्मान स्वरूप यह ट्रॉफी देते हैं। प्रिंसिपल साहब, भीमराव ने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, और विद्यालय के नाम का सीधा संबंध प्रिंसिपल से होता है। फिर भी आप भीमराव से दूरी बनाए हुए हैं। इसका तो तात्पर्य यह हुआ कि भीमराव की प्रतिभा पर आज भी उसकी जाति भारी पड़ रही है। अंबेडकर जी, गुरु और शिष्य के रिश्ते बहुत बाद में बनते हैं, लेकिन जात का रिश्ता वो जन्म होने के साथ ही हो जाता है। इसलिए भीमराव के प्रति हमारा जो समर्थन और आशा है ना, वो एक गुरु का है, और ये जो दूरी है ये जात की है। जानबूझकर इस छोटी जात की भीमराव को ज्यादा अंक दिए, क्योंकि आप सब महान बन सके, छोटी जात की मदद करके खुद को बड़ा साबित कर सके। अगर तुम्हें इतना ही बड़ा बनना है तो पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे अभी एक वर्ष और रहना है तुम्हें इस विद्यालय में, भीमराव से ज्यादा अंक लाकर दिखाओ। भीमराव, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, धन्यवाद आप सभी गुरुजनों को, और खास करके आपका अंबेडकर गुरुजी, क्योंकि भीमराव के साथ अंबेडकर नाम आपने जोड़ा, और इस नाम के साथ
मैं जीवन भर रहूंगा। और उन सबको भी धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया। भीमराव और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर चाहे हमें कोई काम दे या ना दे। और धन्यवाद उनका भी जिन्होंने हमेशा हमारा विरोध किया। जहां जहां भीमराव पढ़ने जाएगा वहां इसकी पढ़ाई रोकेंगे और फिर धीरे धीरे तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और धन्यवाद उनका भी जिन्होंने साथ तो दिया लेकिन अपनी जाति की दूरी बनाते हुए। सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके खुश होना बहुत स्वाभाविक है। मैं भी हमेशा खुश होता हूँ लेकिन आज मन में दुख सा हो रहा है, बुरा लग रहा है, रोना भी आ रहा है। मुझे ये सातारा छोड़ना पड़ रहा है। सातारा छोड़कर जाना पड़ेगा? मुझे अब ये विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है। मैं भीम और अपने पूरे परिवार को यहां से ले जाने आया हूं। बस आखिर में यही कहना चाहूंगा, धन्यवाद सातारा।